जो फोर्थ क्लास हमने अपना SST का जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो 17 पीपल ऑफ इंडिया। तो आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, अलग अलग तरह के जो लाइफ स्टाइल है। इंडिया इज़ रिच, हैज़ अ रिच कल्चर। इंडिया के पास रिच कल्चर और ट्रेडिशन, ठीक है, यहाँ पे रिच कल्चर है, रीति रिवाज है बहुत ज़्यादा। इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स आर्ट, डिफरेंट लैंग्वेज, ट्रेडिशनल क्लॉथ, डेलीशियस फूड, कलरफुल फेस्टिवल्स एंड डांस फॉर्म। जो इंडिया वो सारे वर्ल्ड में, सारे विश्व में इसके लिए फेमस है, अपने आर्ट के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए, अलग अलग ट्रेडिशनल क्लॉथ के लिए, बहुत टेस्टी फूड के लिए, कलरफुल फेस्टिवल जो भी हम त्यौहार मनाते हैं, और डांस के लिए। ठीक है, इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स हैव वेरिड लाइफ स्टाइल। अलग अलग कल्चर्स की जो, अलग अलग कल्चर्स की जो पीपल, उनका अलग अलग लाइफ स्टाइल है। स्टिल दे लिव इन हारमोनी विद ईच अदर, और इसके बावजूद भी, ठीक है, कल्चर सभी का अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, इसके बावजूद भी जो सारे पीपल एक दूसरे से सद्भावना के साथ, प्यार के साथ रहते हैं। लैंग्वेज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, संविधान इंडिया का, उसमें जो 22 लैंग्वेज वो प्रमाणित है। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये दोनों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सम ऑफ द रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज के बारे में बता दें, असामीज, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, जैसे कन्नड़ बोलते हो आप, ठीक है, पंजाबी, तमिल, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस मतलब हमारे संविधान ने प्रमाणित किया है। मोस्ट ऑफ ज़्यादा लैंग्वेज होती है वो लेफ्ट टू राइट जाती है, जैसे इंग्लिश लिखते हो, पंजाबी लिखते हो, हिंदी लिखते हो, बट कुछ लैंग्वेज जैसे कश्मीरी या सिंधी या उर्दू, उसे आप राइट टू लेफ्ट, इस तरफ से इस तरफ लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्लॉथ, कपड़े। इन इंडिया पीपल वियर अ वैरायटी ऑफ कलरफुल क्लॉथ, जो पीपल है वो अलग अलग तरह के क्लॉथ पहनते हैं। द क्लॉथ पीपल वियर डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस दे लिव इन, जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से, कैसे कैसे वो कपड़े पहनते हैं। द क्लाइमेट इन हिली एरिया में जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं, पीपल हैं, वो वूलन के बने हुए क्लॉथ पहनते हैं। ठीक है, जूट सिल्क क्लॉथ पहनते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, जब सर्दियाँ होती है। जो प्लेन्स मैदानी एरिया में रहते हैं वो कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं, ताकि वो गर्मी में अपने आप को, हॉट मौसम में, हॉट क्लाइमेट में अपने आप को ठंडा रख सकें। जो रेनी सीजन, उसमें पीपल जो सिंथेटिक और नायलॉन के क्लॉथ पहनते हैं। नेक्स्ट, बाय लुकिंग एट द क्लॉथ, हम किसी भी पीपल के क्लॉथ को देख के ईजिली ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पर्सन कहाँ से बिलोंग कर रहा है। मैन और वुमेन इन डिफरेंट, अलग अलग राज्यों के जो मैन एंड वुमेन, बंदे हैं या फिर वुमेन्स हैं, वो अलग अलग तरह के क्लॉथ पहनते हैं। नीचे कुछ उन्होंने स्टेट्स के बारे में बताया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में फिरान पहनते हैं, और लड़की भी, वुमेन भी क्या पहनती हैं, फिरान ऐसे पहनते हैं। पंजाब में कुर्ता पजामा जो जेंट्स होता है, सलवार कमीज वुमेन पहनते हैं। नेक्स्ट है गुजरात और राजस्थान में अंगरखा और विद पजामा और धोती पहनते हैं, घाघरा चोली पहनते हैं। तमिलनाडु में वेस्टी और पापदी पहनते हैं। नेक्स्ट है मैन कवर हिज हेड, जो मैन है वो अपने हेड को, सिर को कवर करते हैं टर्बन के साथ, जैसे राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब में सूट, ट्राउज़र, कुर्ता, वो मेनली मैंस पहनते हैं इंडिया में। ठीक है, वुमेंस क्या पहनते हैं, साड़ीज या फिर सलवार कमीज और कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस जैसे स्कर्ट है, ट्राउज़र है, स्कर्ट्स भी पहनते हैं।